हेलो फ्रेंड्स जी डी एस टू एम एस के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है इससे पिछली वीडियो में हमने बोली फाइव की डेफिनेशन में जो हमारा सब रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ तक कर लिया था आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे बैग ऑफिस फार अवाइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थैलों के अनावश्यक संचरण से बचने के लिए जो थैले लेखे की प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई है पोस्ट ऑफिस आर एम एस ऑफिसज क्लासीफाइड इंटू बैग ऑफिस और जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज होते हैं डाकघर हैं और जो हमारे रेल डाक सेवा के कार्यालय हैं उन्हीं को बैग ऑफिस में क्लासीफाई किया गया है उनका वर्गीकरण किया गया है और कौन कौन से हमारे पास बैग ऑफिसेज हैं सबसे पहले यूनिट बैग ऑफिस उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस उसके बाद हमारे पास सर्कल बैग ऑफिस और सबसे बाद हमारे पास आता है सेंट्रल बैग ऑफिस अब सबसे पहले हम यूनिट बैग ऑफिस के बारे में देख लेते हैं एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिस एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस डिफाइन एज यूनिट बैग ऑफिस जो जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिसिज हैं उनको यूनिट बैग ऑफिस के रूप में माना जाता है सिवाय हमारे ब्रांच ऑफिस और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसिज को छोड़कर यूनिट बैग ऑफिस गिव्स मिनिमम और मैक्सिमम बैग बैलेंस बंस इन एयर बाई दी एस पी ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन फर्स्ट जुलाई तो यूनिट बैग ऑफिस को साल में एक बार न्यूनतम और अधिकतम थैला शेष का इंतजाम संबंधित डाक अधीक्षक एक जुलाई को करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास उसके बाद हमारे पास ईच यूनिट बैग ऑफिस मेंटेन है डे बैग बुक प्रत्येक यूनिट बैग ऑफिस एक डे बैग बुक मेंटेन करता है यूनिट बैग ऑफिस सबमिटेड डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और हमारा जो यूनिट बैग ऑफिस होता है ये क्या करता है जो हमारी डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट होती है दैनिक थैला शेष जो रिपोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को सबमिट करता है उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस डी बी ओ एवरी हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस इन आर एम एस आर डिफाइन एस डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस तो हमारे पास रेलवे में जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं वो यूनिट बैग डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में उनको वर्गीकरण किया गया है मेंटेन बैग अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बैग्स कैटेगरी वाइज बैग रिसीव्ड डिस्पैचड बाई सोर्टिंग ऑफिस एंड ट्रांसिट मेल ऑफिस प्लस यूनिट बैग ऑफिस अटैच टू दैम यह कार्यालय अपने से संबंध छटाई कार्यालयों तथा पारवहन कार्यालयों से संबंध यूनिट थैला कार्यालयों के संबंध में भी थैले की प्राप्ति और प्रेषण का लेखा जोखा वर्गवार सभी थैलों का रखेगा तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होता है यह क्या करता है कैटेगरी वाइज हमारे पास जितने भी टाइप्स के बैग्स हैं जितने भी हमारे पास रिसीव हुए हैं जिनका प्रेषण किया गया है छोट शोटिंग ऑफिस के द्वारा या ट्रांसिट मेल ऑफिस के द्वारा या फिर यूनिट बैग ऑफिस के द्वारा जो कि उनसे जुड़े हुए हैं तो उनका सभी का ये लेखा रखने का काम करता है इन एक्सेप्शनल हेडो कैन हेड ऑफिस कैन आल्सो फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कुछ अपवाद के मामलों में जो हमारा प्रधान डाकघर है वो भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करता है उसके बाद आता है हमारे पास सर्कल बैग ऑफिस सी बी ओ पोस्टल स्टोर डीपो सिचुएटेड एट दी हेड क्वार्टर ऑफ दी पोस्टल सर्कल तो हमारे पास क्या है जो पोस्टल सर्कल है उसका जो मुख्यालय है वहाँ पर जो पोस्टल स्टोर डीपो स्थित होता है उसको क्या कहते हैं सर्कल बैग ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस एंड यूनिट बैग ऑफिस तो ये यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की इंस्पेक्शन करता है वेरीफिकेशन ऑफ बैलेंसेज जो बैलेंसेज होते हैं थैलाशेष जो होते हैं उनकी वेरीफिकेशन करता है प्रोस्योरमेंट ऑफ बैग्स थैलों को उपलब्ध कराने का काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स थैलों को वितरित करना रिपेयर एंड ऑप्शन ऑफ बैग्स थैलों की मरम्मत तथा नीलामी करवाना तो ये सारे काम हो गए हमारे पास जो सर्कल बैग ऑफिस है उसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रल बैग ऑफिस केंद्रीय थैला कार्यालय डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट डाक निदेशालय का डी अनुभाग ये क्या है हमारे पास जो डाक निदेशालय का डी अनुभाग है इसको क्या कहते हैं हम सेंट्रल बैग ऑफिस डज नो डील्स विद एनी बैग और ये किसी भी बैग के साथ कोई इसका संबंध नहीं है किसी भी बैग के साथ कोई इसकी डीलिंग नहीं होती है ओनली डील्स विद कोस्पोडेंस रिलेटिंग टू प्रोस्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स थैलों को उपलब्ध करवाने और वितरित करवाने वाले पत्राचार के साथ इसका सीधा संबंध होता है उसके बाद हमारे पास सोर्टिंग असिस्टेंट छंटाई सहायक ऑल ऑफिशियल्स इन आरएमएस अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर मेल गार्ड्स एंड क्लास फोर सर्वेंट्स जो हमारे एम होते हैं तो रेलवे मेल सर्विस के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको शोटिंग असिस्टेंट्स कहा जाता है छंटाई सहायक कहा जाता है सिवाय हमारे पर्यवेक्षण अधिकारी मेल गार्ड और क्लास फोर सर्वेंट्स को छोड़कर जितने भी कर्मचारी होंगे वो होंगे शोटिंग असिस्टेंट्स उसके बाद है सब्सिडारी सोटिंग असिस्टेंट सहकारी छंटाई सहायक सोटिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विद द शोटिंग ऑफिस ओवर ओनली ए पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स टू असिस्ट द सेट वेयर दी वर्क इज हैवी किसी छंटाई अनुभाग में जहाँ काम अधिक हो किसी सेट की सहायता के लिए उसकी गश्त के एक हिस्से में काम करता है तो ये सिर्फ एक हेल्प सेट होता है जो हमारे पास किसी भी अनुभाग में जहाँ काम अधिक होता है उसकी सेट की सहायता के लिए वहाँ पर जाके ये काम करता है उसकी गश्त के एक हिस्से में ये काम करेगा सेट ऑफ सेक्शन अनुभाग का सेट आरएमएस सोटिंग असिस्टेंट्स बिच वर्क टूगैदर थ्रो द बीट ऑफ दी सेम सेक्शन इन बोथ डायरेक्शन रेलवे मेल सर्विस के जो सोटिंग असिस्टेंट्स होते हैं सहायक होते हैं किसी सेम सेक्शन की किसी एक ही सेक्शन की अनुभाग की गश्त में दोनों तरफ से एक साथ काम करते हैं उनको क्या कहते हैं सेट ऑफ सेक्शन अनुभाग का सेट सेट्स आर नंबर सीरियली और जो सेटों की गिनती है वो क्रम संख्या के अनुसार होती है डेजिग्नेटेड बाय सीरियल नंबर्स प्रोसीडेड बाय दी नेम ऑफ दी सेक्शन और इनका जो नामकरण है किस प्रकार किया जाता है पहले सेक्शन का नाम लिखा जाएगा अनुभाग का नाम लिखा जाएगा उसके बाद जो उनकी क्रम संख्या होगी वो लगाकर हमारे पास इनका नामकरण किया जाता है ईच सेट ऑफ सेम सेक्शन है जो हमारे अनुभाग हैं उनके जो सेट होते हैं उनमें जो वर्किंग आवर्स हैं काम करने का समय सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कर्मचारियों की संख्या भी सेम होगी और सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट्स और डाक का आदान प्रदान करने का जो ढंग होगा वो भी सेम होगा नंबर ऑफ सेट ऑफिस सेक्शन आर डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर्स और किसी अनुभाग के सेटों की संख्या काम के साप्ताहिक घंटों के आधार पर तय की जाती है जो वीकली वर्किंग आवर्स होंगे उनके आधार पर तय की जाएगी सेट ऑफ मेल ऑफिस डाक कार्यालय का सेट आर एम एस सोर्टिंग असिस्टेंट्स विच इज़ ऑन ड्यूटी एट द सेम टाइम इन मेल ऑफिस रेलवे मेल सर्विस के छंटाई सहायक जो किसी डाक कार्यालयों में एक ही समय काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है सेट ऑफ मेल ऑफिस सेट ऑफ मेल ऑफिस आर नंबर इन अ कंजीक्यूटिव सीरीज और जो हमारे पास डाक कार्यालय होते हैं उनके जो सेट होते हैं उनकी जो संख्या है उनकी जो गिनती है वो भी क्रम संख्या अनुसार होती है ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस हैज जितने भी हमारे डाक कार्यालय हैं उनके प्रत्येक सेट में हमारे पास काम करने का जो समय है डिफरेंट वर्किंग आवर्स वो अलग होगा डिफरेंट मेल एंड शोटिंग पैटर्न डार्क और छंटाई का जो पैटर्न होगा वो भी अलग होगा स्ट्रेंथ ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन दी वॉल्यूम ऑफ दी वर्क और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है कितने कर्मचारी काम करेंगे उसकी संख्या भी हमारे पास काम के हिसाब से जितना काम होगा उसी हिसाब से इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कर्मचारियों की संख्या भी काम की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिप जर्नी परफॉर्म्ड बाय है सेट ऑफ ए सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू दी अदर काम पर यात्रा करने वाले अनुभाग के किसी एक सेट के द्वारा उसकी गश्त के एक हिस्से से ठीक है उसकी बीट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की गई यात्रा को क्या कहा जाता है ट्रिप कहा जाता है या फिर फेरा कहा जाता है अब ये हमारे पास दो प्रकार की होती है एक होती है हमारे पास आउट ट्रिप फ्रॉम हेडक्वार्टर टुवार्ड्स इट्स आउट स्टेशन हेड क्वार्टर से किसी दूसरे स्टेशन के लिए जाना उसको कहेंगे आउट ट्रिप और इन ट्रिप क्या होती है किसी आउट स्टेशन से हेडक्वार्टर की तरफ आना उस ट्रिप को क्या कहेंगे उस फेरे को क्या कहेंगे इन ट्रिप उसके बाद हमारे पास स्टेशन एंड सोर्टिंग आर्टिकल्स अच्छा, स्टेशन और छंटाई वस्तुएं स्टेशन आर्टिकल्स आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू बिच दे आर सेंट ऐसे आर्टिकल्स जिनकी डिलीवरी जिनका वितरण उस पोस्ट ऑफिस से होना है जहां को उनको भेजा गया है उनको कहा जाएगा स्टेशन आर्टिकल्स मान लीजिए उनको किसी पोस्ट ऑफिस के नाम भेजा गया है तो उसी पोस्ट ऑफिस से उनकी डिलीवरी होनी है उनको क्या कहा जाएगा स्टेशन आर्टिकल्स अनपेड इनसफिशेंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम सबोर ब्रांच ऑफिसेज अनपेड यानी कि जिनके ऊपर बिल्कुल भी कोई पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए गए हैं इनसफिशेंटली पेड मतलब कि जिनके ऊपर आधे अधूरे पोस्टेज चार्जेस दिए गए हैं तो अगर कोई भी हमारे पास पत्र डाक के ऐसे कोई भी आर्टिकल्स हैं जो अनपेड हैं या इन पेड हैं और उनकी डिलीवरी जो है सब ऑफिस या फिर ब्रांच ऑफिस से होनी है जब उनको हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस के लिए भेजा जाता है तब उनको कैसे ट्रीट किया जाता है स्टेशन आर्टिकल्स फॉर हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस एज द केस में तो उनको हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस के स्टेशन आर्टिकल्स माना जाएगा जो भी हमारे पास अगर एच के लिए भेजा है तो एच के स्टेशन आर्टिकल्स माना जाएगा और सब ऑफिस के लिए भेजा गया है तो उनको एच के स्टेशन आर्टिकल्स माना जाएगा चाहे उनकी डिलीवरी सब ऑफिस से होनी हो या ब्रांच ऑफिस से होनी हो जो भी हेड ऑफिस के अंडर आता है तो उनको क्या माना जाएगा स्टेशन आर्टिकल माना जाएगा बट किसके हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस के उसके बाद है हमारे पास सोर्टिंग आर्टिकल्स आर्टिकल्स दैट आर टू बी सोर्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस और ऑफिस टू बिच दे आर सेंट तो ऐसे आर्टिकल्स जिनकी छंटाई उस पोस्ट ऑफिस के द्वारा होनी है जिनके लिए वह भेजा गया है जिस पोस्ट ऑफिस में उनको भेजा गया है वो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा उनकी छंटाई करेगा एंड फॉरवर्डेड देंस टू ऑफिस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन और उसके बाद उनके अंतिम गंतव्य स्थान के लिए भेज देगा ओर टू अदर शोटिंग असिस्टेंट या फिर शोटिंग ऑफिस या फिर किसी और छंटाई कार्यालय को वो आगे उनको भेजेगा उनको क्या कहा जाएगा शोटिंग आर्टिकल्स जिनकी छंटाई उस पोस्ट ऑफिस के द्वारा होनी है जहाँ के लिए उनको भेजा गया है उसके बाद है हमारे पास लेवल्ड बंडल्स लेवल लगे बंडल कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेड सिक्योरली टाइड विद द चैक्स लिप एड द तो पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का समूह जिसमें पते वाला भाग जो है ऊपर की तरफ रखा गया और जिसको हमारे पास चेक स्लिप यानी कि जांच पर्ची लगाकर अच्छी तरह से बांधा गया और जांच पर्ची हमारे पास ऊपर की तरफ लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है लेबल्ड बंडल ट्रीटेड इन छोटिंग एज सिंगल आर्टिकल और जब इसकी छंटाई होती है तो इसको सिर्फ एक आर्टिकल के रूप में माना जाता है ओपन बाई ऑफिस और सेक्शन टू बीच इज इट इज एड्रेस्ड और इसको जब खोला जाता है वो कौन खोलेगा इसको ऑफिस या फिर सेक्शन ठीक है कार्यालय या फिर अनुभाग जिसके पते पर इसको भेजा गया है सिर्फ वो ही इसको खोल सकता है लेबल्ड बंडल अब जो हमारे पास लेबल्ड बंडल है ये दो प्रकार के हैं एक स्टेशन बंडल आते हैं दूसरे आते हैं हमारे पास शोटिंग बंडल्स स्टेशन बंडल्स कंटेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल तो इसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं अब इसमें भी दो प्रकार के हैं स्टेशन आर्ट बंडल जो होते हैं एक पेड हमारे पास आर्टिकल्स बंडल होता है दूसरा अनपेड आर्टिकल्स बंडल अब जो हमारे पास पेड आर्टिकल्स बंडल है इसमें सिर्फ हमारे पास ओनली पेड आर्टिकल्स होंगे और जो अनपेड वाला बंडल बनेगा उसमें सिर्फ अनपेड आर्टिकल्स ही होंगे स्टेशन बंडल्स आर प्रिपेयर्ड ऑर्डरली भैन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन आइदर पेड और अनपेड फॉर एनी ऑफिस एक्सीड 14 तो जो स्टेशन बंडल है वो सिर्फ तभी तैयार किया जाता है जब हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है, है उनकी जो संख्या है चौदह से अधिक को यानी कि पंद्रह सोलह सत्रह इससे अधिक को चौदह से अधिक होनी चाहिए तब हमारे पास जो है स्टेशन बंडल बनाया जाता है उसके बाद हमारे पास शोटिंग बंडल्स कंटेन बोथ पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल सो इसमें भी हमारे पास पेड और अनपेड अनरजिस्टर्ड गैर पंजीकृत पत्र होते हैं और उनको स्टेशन आर्टिकल में हमारे पास इंक्लूड नहीं किया जाता है उनको किसमें किया जाता है शोटिंग बंडल्स में ये भी हमारे पास दो प्रकार के हैं एक, एक एक्सप्रेस बंडल आते हैं तुरंत बंडल और दूसरे आते हैं हमारे पास डेफर्ड बंडल स्थगित बंडल अब जो हमारे पास एक्सप्रेस बंडल जो होते हैं आर्टिकल्स रिक्वायर्ड टू बी सोर्टेड इमीडिएटली ऑन रिसिप्ड बाय द मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस टू बिच दे आर कंसाइंड अब जो एक्सप्रेस बंडल होते हैं जो तुरंत बंडल होते हैं अगर किस जिस भी पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस के लिए वो भेजे गए हैं वो क्या करता है उनके प्राप्त होने के बाद उनकी तुरंत छंटाई करता है ठीक है ये होते हैं हमारे पास एक्सप्रेस बंडल्स उनकी तुरंत छंटाई वो करेगा और जो हमारे डेफर्ड बंडल होते हैं कंटेन आर्टिकल्स विच कैन बी डिस्पोज ऑफ लेटर और जो हमारे आस्थगित बंडल होते हैं उनकी जो छंटाई है उनका निपटान है वो बाद में भी किया जा सकता है बट जो एक्सप्रेस बंडल होंगे वो प्राप्त होने के तुरंत बाद उनकी छंटाई की जाती है टेरिटोरियल बंडल क्षेत्रीय बंडल एसोर्टिंग बंडल प्रिपेयर फॉर स्टेट क्लियरली डिफाइंड ट्रैक्ट ऑफ कंट्री फॉर ए फॉरिन कंट्री देश के किसी सुनिर्धारित भाग के लिए किसी राज्य के लिए या फिर फॉरन कंट्री के लिए बनाया जाने वाला बंडल क्या कहा जाएगा उसको जो सोर्टिंग बंडल होगा उसको क्या कहेंगे टेरिटोरियल बंडल कहेंगे टेरिटोरियल बंडल प्रिपेयर्ड भैन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज ट्वेंटी फाइव और मोर जब हमारा जो क्षेत्रीय बंडल है कब बनाया जाता है जब आर्टिकल्स की संख्या ट्वेंटी फाइव हो या इससे अधिक हो तब हमारा टेरिटोरियल बंडल बनाया जाता है लेवल्ड बंडल आर नॉट ड्यू और जो हमारे लेवल्ड बंडल होते हैं ये अपेक्षित नहीं होते हैं ये ड्यू नहीं होते हैं प्री सोर्टेड बंडल्स पूर्व छंटाईकृत बंडल्स रिसीव्ड फ्राम कस्टमर्स एज वेल एज फ्राम पोस्ट ऑफिस तो ये कस्टमर से भी प्राप्त हो सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से भी प्राप्त हो सकते हैं इफ़ दे आर स्टेशन बंडल्स अगर तो ये स्टेशन बंडल्स हैं शुड नॉट बी ओपन तब इनको नहीं खोला जाएगा इफ़ दे आर शोटिंग बंडल्स अगर वे छंटाई बंडल्स हैं कैन बी ओपनड एंड शोटेड तो उनको खोल के उनकी छंटाई की जाती है उसके बाद है हमारे पास चेक स्लिप जाँच पर्ची लेबल्ड टाइड टू दी टॉप ऑफ दी लेबल बंडल तो लेबल बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को क्या कहा जाता है चेक स्लिप कहा जाता है जांच पर्ची कहा जाता है प्रिंटेड ऑन पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर्स के ऊपर इसको छापा जाता है अगर हमारे पास पिंक चेक स्लिप का यूज़ किया गया है तो उसमें ऑर्डनरी या फिर अनपेड बंडल्स होंगे ऑर्डनरी सोटिंग बंडल्स के लिए हमारे पास व्हाइट चेक स्लिप का यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास एयर मेल या फिर फॉरन मेल बंडल्स हैं तो उसके लिए ब्लू चेक स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है वाइट चेक स्लिप इज यूज फॉर बोथ अब हमारे पास जो शोटिंग बंडल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं हमने जैसे अभी पीछे पड़ा डेफर्ड बंडल और एक्सप्रेस बंडल्स होते हैं तो व्हाइट चेक स्लिप का यूज़ दोनों के लिए किया जाता है बट अगर एक्सप्रेस बंडल है तो उसमें क्या किया जाता है स्लिप बींग मार्ग ऑन फेस विद टू डायगनल लाइन्स इन ब्लू पेंसिल फॉर एक्सप्रेस बंडल तो जो हमारे पास उसका फेस होगा जो हमारे पास जो हमारे पास चेक स्लिप होगी उसका जो फेस होगा उसके ऊपर दो तिरछी लाइनें लगाई जाती हैं जो हमारे पास तुरंत बंडल होगा उसके लिए स्लिप विंग मार्कडोन फेस विद टू डायगनल लाइंस इन ग्रीन कलर फॉर लोकल आर्टिकल्स लोकल आर्टिकल्स के लिए हमारे पास ग्रीन कलर की चेक स्लिप का यूज किया जाएगा उसमें हमारे पास दो डायगनल लाइंस तिरछी लाइनें लगाई जाएंगी येलो स्ट्रिप फॉर राजधानी बंडल्स तो राजधानी बंडल्स के लिए येलो स्ट्रिप का यूज किया जाएगा और ब्लू स्ट्रिप का यूज मेट्रो बंडल्स के लिए किया जाएगा एवरी चेक स्लिप बियस प्रत्येक चेक स्लिप के ऊपर क्या कह ने प्लस डेट स्टैप ऑफ दी ऑफिस बिच दी बंडल्स so, जिस कार्यालय ने बंडल्स को तैयार किया है उसका नाम और उसकी डेट स्टैम्प नेम ऑफ ऑफिस टू बिच इट इज एड्रेस्ट किस ऑफिस के लिए इनको भेजा गया है उसका नाम सिग्नेचर इन फुल ऑफ ऑफिसर बाय हुम इट इज मेड अप तो किस ऑफिसर ने इनको बनाया उसके सिग्नेचर ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके ऊपर होनी चाहिए इन केस ऑफ टेरिटोरियल बंडल इट आल्सो शोज टेरिटोरियल बंडल के मामले में इसके ऊपर और क्या होना चाहिए नेम ऑफ द स्टेट और टेरिटरी राज्य का नाम या टेरिटरी का नाम ऑफिस बाई बिच इट इज टू बी ओपन और किस ऑफिस के द्वारा इनको खोला जाना है उसका नाम यूज़ ऑफ चेक स्लिप अब जो हमारी जांच पर्ची है उसका क्या उद्देश्य है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस सेंडिंग of any article wrongly included in लेवल बंडल तो लेवल बंडल में किसी भी कोई भी आर्टिकल है अगर उसको गलती से उसमें डाल दिया गया है लेवल बंडल में तो उस चीज़ के लिए किसी की जिम्मेदारी को फ़िक्स करना यह हमारा उद्देश्य होता है क्योंकि अब लेवल बंडल जिसके द्वारा बनाया जाएगा एक तो उस ऑफिसर के साइन होंगे उस पोस्ट ऑफिस में या जिस कार्यालय में वो बनेगा उसकी डेट स्टैंप होगी और उसका नाम होगा तो अगर उसमें कुछ भी कोई भी गलत आर्टिकल डाला गया तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑफिसर की बनेगी तो ये चीज़ होती है हमारे पास स्लिप का उद्देश्य यही होता है उसके बाद है एमओ स्लिप मनी ऑर्डर जांच पर्ची एमओ सेवेंटी इसको बोलते हैं एमओ सेवेंटी पे बनती है प्रिंटेड इन रेड इंक ओन व्हाइट और बदामी पेपर तो व्हाइट या फिर बदामी पेपर के ऊपर रेड इंक से इसको प्रिंट किया जाता है प्रेस्क्राइब्स फॉर यूज इन प्रिपेयरिंग एमओ बंडल फॉर डिस्पैचन तो गंतव्य के लिए मनी ऑर्डर बंडल तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है नंबर ऑफ मनी ऑर्डर नोट ऑन दिसक स्लिप और हमारे पास जितने है, कितने मनी ऑर्डर भेजे गए हैं इस चीज को भी मनी ऑर्डर जो हमारे पास चेक स्लिप होगी उसके ऊपर लिखा जाएगा तो बंडल में कितने टोटल मनी ऑर्डर है इस चीज का जो हमारे पास ब्योरा रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा चेक स्लिप के ऊपर लिखा जाएगा मेल बैग्स या डाक थैले जो बैग्स कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ़ दी लेटर मेल लेटर्स पोस्ट कार्ड्स बुक्स एंड पैटर्न पैकेट्स और अनरजिस्टर्ड पार्सल्स ऐसा बैग जिसमें हमारे पास गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री आर्टिकल्स हों मे पत्र मेल के या लेटर मेल के जैसे हमारे पास लेटर्स हो गए पोस्ट कार्ड्स हो गए बुक और पैटर्न पैकेट्स हो गए या अनरजिस्टर्ड पार्सल्स हो गए उसको क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे मेल बैग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बींग एंड क्लोज इन ए रजिस्टर्ड बैग और जो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे ये हमारे पास रजिस्टर्ड बैग के अंदर इनको डाला जाएगा भैन ने रजिस्टर पैकेट बैग इज प्रेस्क्राइब जब भी कोई रजिस्टर्ड पैकेट बैग निर्धारित होता है तो हैवी रजिस्टर्ड पैकेट्स जो होते हैं भारी रजिस्टर्ड पैकेट्स होते हैं आर डिस्पैच्ड इन साइड रजिस्टर्ड पैकेट बैग एंड नोट इन साइड द मेल बैग तो उनको मेल बैग में नहीं डाला जाता है उनको रजिस्टर्ड पैकेट बैग के अंदर ही डाला जाता है भैन पार्सल बैग्स नोट प्रेस्क्राइब मेल बैग्स में ऑल्सो कंटेन आर्टिकल्स ऑफ पार्सल मेल जब हमारे पास पार्सल बैग्स निर्धारित नहीं होते हैं तो हमारे पास जो पार्सल मेल के आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे पार्सल वगैरह होते हैं उनको मेल बैग के अंदर डाला जाता है क्योंकि जब हमारे पास अगर पार्सल बैग निर्धारित नहीं है तो उनको पार्सल जो हमारे पास मेल बैग होगा उसमें डाला जा सकता है मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन बीओ एंड ए पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट ऑफिस तो ब्रांच ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के बीच में एक्सचेंज होने वाले आदान प्रदान होने वाले मेल बैग्स के अंदर क्या होगा बट अब जो यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस है ये ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस नहीं होना चाहिए लेखा कार्यालय नहीं होना चाहिए विद विच इट इज़ इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन और जो पोस्ट ऑफिस इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है क्या मतलब हो गया इसका यहाँ पे कि मेल बैग्स जो हमारे पास किसी ब्रांच ऑफिस और ऐसे पोस्ट ऑफिस के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं आदान प्रदान हो रहे हैं जो इसका लेखा कार्यालय नहीं है तो इसमें क्या होगा और इसके साथ इसका सीधा डायरेक्ट कॉम्युनिकेशन है तो इसमें क्या होगा ऑल फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स इसके अंदर होंगे एक्सेप्ट बीपी एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स तो वैल्यूपेबल आर्टिकल्स इंश्योर्ड आर्टिकल्स और ओन बीच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रिलइज्ड तो ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी अभी दे है या बीपी या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल्स को छोड़कर ऑल फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स इन दोनों के बीच में आदान प्रदान किए जाएंगे उसके बाद हमारे पास मेल बैग्स आर ऑफ जो मेल बैग्स हैं ये तीन प्रकार के हैं स्टेशन मेल बैग शोटिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स और ये अपेक्षित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेल बैग्स हमारे पास कौन कौन से प्रकार के हैं तो एक स्टेशन मेल बैग शोटिंग मेल बैग और छंटाई डाक थैला और कंबाइंड मिश्रित डाक थैला और शोटिंग स्टेशन मेल बैग ये तीन प्रकार के हमारे पास मेल बैग्स हो गए मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस इनसाइड द साइड बैग अ कैश बैग जो डाक थैले हमारे पास किसी कैश ऑफिस यानी कि रोकड़ कार्यालय और उप डाकघर के बीच में आदान प्रदान होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है रजिस्टर बैग होता है और उस रजिस्टर बैग में कैश बैग भेजा जाता है एफ सिंबल These mail bags are denoted in due mail list of the cash office sub office and offices through which they transit by a distinguishing symbol F और ये वाले जो mail bags होते हैं इनको डिनोट किया जाता है सभी जो भी रोकड़ कार्यालय उप डाकर या फिर और कार्यालय जिनके थ्रू ये transit होते हैं यानी कि ये मेल बैग्स जाते हैं उनकी जो ड्यू मेल लिस्ट होती है वो उसमें इसको एफ symbol से डिनोट करते हैं एयर मेल बैग हवाई डाक थैले बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू बी कैरिड बाय एनी एयर सर्विस तो ऐसा थैला जिसमें हमारे पास अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो जिनको किसी भी हवाई सेवा के द्वारा ले जाया जाना हो उसको क्या कहेंगे हम एयर मेल बैग कहेंगे ए ब्लू दोस्ती बैग शुड ऑनली बी यूज फॉर क्लोजिंग एन एयर मेल बैग और हमारे पास नीले दोस्ती थैले का यूज़ किया जाता है किसी भी एयर मेल बैग को बनाने के लिए अब इसमें हमारे पास है नो आर्टिकल इफ़ नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच इन एयर मेल बैग अगर कोई भी आर्टिकल एयर मेल बैग में ऑपरेशन करने के लिए नहीं है नो नीड टू क्लोज एयर मेल बैग तो खाली एयर मेल बैग बंद करना ज़रूरी नहीं है बट सूटेबल एंट्री शुड बी मेड इन डिलीवरी बिल दैट नो बैग हैज़ बीन क्लोज्ड बट जो डिलीवरी बिल होगी उस बात में इस चीज़ का जिक्र जरूर होना चाहिए कि कोई भी थैला बंद नहीं किया गया है एयर मेल कबर इफ़ नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी डिस्पैचड इज लेस दैन फिफ्टी और नो इनशोर्ड और एयरमेल पार्सल फार डिस्पैच इन एन एयरमेल बैग अगर कोई भी हमारे पास एयरमेल पार्सल नहीं है या इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है या आर्टिकल जो है फिफ्टी से कम है पचास से कम है जो एयरमेल बैग में डिस्पैच करने थे प्रेशन में, प्रेशन करना था जिनका तो क्या किया जाएगा एयरमेल कवर ऑफ सुटेबल साइड शुड बी यूज इन साइड ऑफ बैग तो बैग की जगह उचित आकार का हमारे पास एयरमेल कवर यूज किया जाएगा एयरमेल पार्सल इनसाइड एयरमेल बैग अगर हमारे पास एयरमेल पार्सल है किसी भी एयरमेल बैग के अंदर तो उसके लेबल के ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन दी जाती है सी ए पी कंटेन एयर पार्सल सी ए पी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा फिर कंटेन एयर पार्सल उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी एनक्लोज इन अ बैग अनलेस देयर नंबर एक्सीड्स 25 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को तब तक बैग में नहीं डालना चाहिए जब तक कि उनका जो हमारे पास संख्या है वो 25 से अधिक ना हो या फिर वे भारी ना हो या फिर उनमें इंश्योर्ड आर्टिकल्स ना हो डिस्पैच के लिए तब तक उनको बैग में नहीं डाला जाएगा दे शुड बी बंडल एंड टाइड अप विद रजिस्टर्ड लिस्ट विद सुटेबल चेक स्लिप मार्क्ड रजिस्टर्ड और जो बंडल होंगे उनको क्या किया जाएगा उनको बांध दिया जाएगा रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ और उनके ऊपर जो जांच पर्ची लगाई जाएगी उसके ऊपर रिमार्क uh, दिया जाएगा मार्क किया जाएगा रजिस्टर्ड उसके ऊपर लिखा जाएगा बंडल शुड बी सील्ड विद रजिस्ट्रेशन सील और बंडल को रजिस्ट्रेशन सील के साथ सील किया जाएगा भैंड बैग यूज फॉर एनक्लोजिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स नोट एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव डू देयर वर्क एडूजल साइज जब भी रजिस्टर्ड बैग का यूज़ किया जाता है हमारे पास ऐसे अगर आर्टिकल्स की संख्या 25 से कम है बट वे भारी हैं और असामान्य साइज के हैं इसलिए बैग का यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का रिमार्क जो है रजिस्टर्ड लिस्ट के ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि हमने जैसे पीछे पढ़ा कि रजिस्टर इनको बैग में एयरमेल बैग में तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक कि उनकी संख्या पच्चीस से अधिक ना हो बट अगर वे पच्चीस से कम है बट वे भारी हैं और अनयूजल साइज के हैं असामान्य साइज़ के हैं इस वजह से उनको बैग के अंदर डाला जा रहा है तो इस चीज का रिमार्क मार्क जो होगा वो भी लिस्ट के ऊपर दिया जाएगा वेट ऑफ एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग शुड नॉट एक्सीड 30 किलोग्राम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो एयर मेल बैग है या एयर मेल एयर ट्रांजिट बैग होगा उसका जो भार है तीस किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स तो आज हम वहीं तक करेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे